नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में बढ़ती महंगाई बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया जो 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू होगी जिसका समापन जम्मू कश्मीर में होगा। ऐसी जानकारी हरियाणा से कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल द्वारा दी गई। इस भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू होगी। यह यात्रा 150 दिन तक चलेगी तो महाराष्ट्र में ये यात्रा 16 दिन की होगी। इस दौरान स्थानीय लोगों की समस्या को भी कांग्रेस नेता जानेंगे और समस्या हल करने का प्रयास भी किया जाएगा। यह 150 दिन के अभियान पद यात्रा के स्वरूप में होगा। यह यात्रा 3,570 किलोमीटर का सफर करेगी जिसमें 118 कांग्रेसी नेता शामिल होंगे जिनमें 18 महिलाएं होंगी। अभियान के दौरान हर रोज 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। इस दौरान विधायक विकास ठाकरे, उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री, कांग्रेस पदाधिकारी विशाल मुत्तेमवार उपस्थित। एक प्रेस मीट होने जा रही है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। आप सबने देखा होगा कि कल दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन हुआ। जिस प्रकार से देश में महंगाई, बेरोजगारी, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आपने देखा होगा बहुत ही सफल रैली का आयोजन कल रामलीला ग्राउंड दिल्ली में रहा और आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश भर में इस समय 30 जगहों पर मीडिया के बंधुओं से भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके सिलसिले में आज आपसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि परिचय दिया गया, मेरा नाम गीता बुक्कल है। मैं इस समय सिटिंग झज्जर हरियाणा से विधायक हूँ, फोर्थ टाइम MLA हूँ, पूर्व में शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री रही हूँ और आज 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा, 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन शुरू किया जाएगा। हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो ये यात्रा करेंगे और ये यात्रा हमारी जो है करीबन 3,570 किलोमीटर यात्रा ये रहने वाली है जो हमारी 150 दिन के करीब लगातार ये यात्रा हमारी इस समय चलेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।